इस समय बालक चौपटा के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं ज़्यादा जानकारी के मैं लिए मैं आपको बता देता हूँ। दो चार दिन पहले इन्होंने बसों को रोका था, क्या कुछ इनकी समस्याएं थी, क्या कुछ इनकी वो आखिर समस्याएं थी जिनके कारण कि इनको ये कदम उठाना पड़ा कि बसों को यहाँ पर रोकना पड़ा। आज फिर ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है, बसों को इन्होंने यहाँ पर रोका हुआ है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ एक बार दिखा दे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बसों को रोका हुआ है और आखिर इनकी क्या कुछ ये समस्या जिसको लेकर के कि आज इनको बसें रोकनी पड़ी है। समस्याएं वैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जिनको कि आंदोलन के जरिए ही समाधान उनका करवाया जा सकता है। इस समय हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम क्या है सबसे पहले? सोनू। क्या समस्या है आज ये बसें रोकने का, क्या उद्देश्य है? समस्या सबसे बैड मैन समस्या ये हो रही है कि बुना और बरुवाड़ा के फतेहवाद डिपो ने एक बस देर की है जी। एक बस देर की, वो हो रहे मन मालिक, मनमर्जी के मालिक है। एक बस एक दिन ले आवा है, अगला दिन फिर डिसमिस करते हैं। आज जीएम से बात करी सुबह यहाँ आए, उसके कारण एक दिन पहले भी रोड जाम कराया, उस दिन कह दी थी ये बात कि आपकी बस चल जाएगी। एक दिन बस चली, अगला दिन फिर वही काम, अगला आज फिर नहीं आई। उसके लिए हमने ये काम करना पड़ा, आज रोड जाम करना पड़ा, बस रोकनी पड़ी। हम भी मानना कि सबने परेशानी इस चीज़ की, लेकिन हम कहाँ जाएँ भाई। क्या लिखित में भी इसकी कोई समस्या का समाधान को लेकर के लिखित में कोई एप्लीकेशन? हमें फतेहबाद चार बार देली भाई, चार पांच बार देली बस थाने। अच्छा। तीन चार बालक तीन चार बार दे आए वहाँ जाके। तो फिर किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता आपको? भाई कुछ नहीं, कह रहे बस परमानेंट चलेगी या एक बस, वह परमानेंट बस आवा एक दिन, अगला दो दिन चलेगी, तीसरा दिन फिर वही काम करते बंद आनी है। बरुवाड़ा लकी एक बस देर की मान के चल, उसमें बनाया तो दिया गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियां का इवें पास भी बन गए। इवें जावा वा बस को नहीं आती, वो टेम्पू में 20 रुपये किराया 25 रुपये किराया लाके जाओ भाई घर के, किस किन्ने दे देंगे भाई तेने। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ है क्या सभी के पास है? सभी के पास है, लड़कियाँ और सारे लड़कियों के पास है, सभी के पास है भाई। जावा आप पे देख लो, टेम इतना जावा इतना उल्टा का टेम है, जान का फायदा क्या? यानी कि पढ़ाई के समय पर आपको इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, क्या कह रहे जी भाई साहब? ये जुगरमा जो बस बस रोको में सोल्यूशन का वो करवाना चाहूँ तो ये हमारे ऊपर प्रशासन का वो करवा दे है, अब लाठी चार्ज कर दें तार ऊपर वो कर देंगे, फिर ये लड़के बालक भाई नु सोच अगर हमारे परेशानी हो इस बात की। कल एक लड़की पड़ गई चार टांग के हरे पैर का मैं उसका, ई वो जाओ पढ़ने खातर है चोट पेट लग गए भाई, ताकि हम लटक लटक के जाना पड़े, हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा ये सोल्यूशन होना चाहिए बस, मेन मुद्दा हमारा यो। मांग क्या है आपकी? मांग हमारा बस चलनी चाहिए, दो बस कम से कम चलनी चाहिए, फतेहबाद डिपो की या हो या इसार डिपो की हो। अभी कितनी बसें चल रही हैं? अभी इसार की तो बहुत चल रहा है, ये बरुवाड़ा की एक चल लिया कर दिया जो अभी को नहीं आई। हाँ, अभी अभी यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है, उनसे आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने बात नहीं, मैंने तो बात नहीं। क्या कुछ बात हुई पुलिस से? पुलिस यही कहो भाई एक बस कल चलवाए दें तारी, पहले भी यह बात बोली थी, दो दिन सैल पड़ी, फिर दो दिन बाद से फिर बंद होगी भाई बस, ये फिर प्रशासन यह बात कहो भाई तो एक बस तो कल चलवा देंगे, एक बस है सोमवार ने चल पड़ेगी, ये बस मारती दिलासे दे जाओ है, ना को बस चल दी ना कि मैं। और जिस प्रकार से आप बसों को रोकते हैं, आपको नहीं लगता कि आम जो सवारी होती है उनको भी किसी प्रकार की समस्या से का सामना करना पड़ता है? मानना भी एक भाई जो सवारी हो परेशान हो है, लेकिन हम बस रोका ना हम किसी नुकसान पहुँचान दे ना कोई और, उनका भी समाधान करा। प्राइवेट बस चलान लग रही है, जान लग रही, जो इनमें जो बीमार है उनती भेज दे, हम हमें छोटे साधन रुका के उनती भेज दे, ओनली स्टूडेंट रहा हुआ है। ओनली स्टूडेंट कहाँ है? हाँ, ये समस्या कितने दिन से चल रही है लगातार? पिछले 3 महीने चला है, लॉकडाउन पास से लगभग यो चल दिया हो वैसे तो, बाकी बीच में एक बार ठीक कर दिया था, फिर यह चलाई थी, 3 महीने गई मैम पासा ही कहें थी, हमारा पासा ही डाय दिए भाई, पास बनवाओ था मैं, मैम ने पास भी बनवाया, ए टू जेड वाला का पास है, चाहे तो आप दिखाए दो। जैसा आपने बताया कि एक लड़की को चोट लगी, किस प्रकार से लगी? वो ताकि में लटक रही थी एकदम पीछे से बस ने झोला दिया और वो नीचे गिर गई, उसका सारा पैर पट गया उड़ता है। हाँ, चार टांग कह रहे उसको दिखा भी दें, आज वो लड़की आग रही है, अपना बुरवाड़ जारी है। देखिए, जिस प्रकार की इनकी समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप पर छोड़ते हैं, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और इस समस्या का किस प्रकार से समाधान होना चाहिए। ठीक है जी, देख लें।
अंकल जी माम शांति से खड़े हैं हम, हमने कोई ना तो मारे ना किसी की लड़ाई करी। रोड जाम हो रोड तो खुला खुला पड़ा है सारी जगह पर, बस रोड जाम है, रोड जाम है, बस बस रोड है, बस हमारे बीमार आदमी का बताओ साधन और भी चल रहा साहब जी कल अगर बताओ साधन और भी चल रहा है अगर वाली वाली बस रोकी मामले माम अग्रवाली प्राइवेट ने रोक प्राइवेट कम बस में के उड़ नहीं तो चले जाओ हेलो ना डीसी के चले जाओ ये सारी जगह से बस सारी ये तैयार रहे अरे रोड जाम है ना पहुंची थी और थोड़ी देर पहले स्टूडेंट से बात कर रही थी आखिर क्या कुछ इनका समाधान निकला है या नहीं निकला है। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शायद पुलिस यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ इनकी समस्याएं थी उन पर सुना गया है, क्या कुछ इनका समाधान निकाला जाएगा, तो लगातार आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। इस प्रकार की समस्याएं आपको आ रही है, आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा? हमारी बस नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से बरवाड़ा जा रहे हैं। अच्छा, बहुत तकलीफ होती है, भीड़ धक्के लगते हैं, यहाँ से चौकटा पे आते हैं और वहाँ से भीड़ में जाना पड़ता है, इसारवाली में आना पड़ता है, कुछ को चोट भी लग जाती है, गिर जाते हैं, फिर क्या होगा हमारा। जैसे एक लड़के ने बताया था कि एक गुड़िया को चोट लगी है, किस प्रकार से लगी थी उसको? वो गिर गई थी इसारवाली बस से। अच्छा। हाँ, तो उसके पैर पे चोट लग गई। किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हो इस समस्या को लेकर के? बहुत से बात कर ली लेकिन कोई वो नहीं हुआ। क्या आश्वासन क्या दिया जाता है? यही कि बस लग जाएगी, दो तीन दिन की कहते हैं और फिर नहीं लगती है, दोबारा से फिर अट जाती है लगवाते हैं तो। अब क्या मानते हो इस प्रकार से जो आप आंदोलन करते हो सड़कों पर उतर आए हो, तो इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं हो रहा ऐसे तो। तो अगला कदम क्या रहेगा फिर आपको? ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा। देखिए जिस भी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आखिर इनकी समस्याएं कितनी जायज है वो आप भी देख रहे हैं। जब पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किस प्रकार से उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ छात्राएं और हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है उनकी। नमस्कार गुरु। नमस्कार सर। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर इस प्रकार से बसें रोकने का, क्या मतलब? सर हमारी बस लगाई नहीं रखी है सर, हमारी जो बस आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जिसमें से कुछ लड़कियाँ तो गिर भी जाती है नीचे, और जो हमने पास बनवा रखे हैं ना वो भी है ना, हम ऑटो से हम जाते हैं, और फिर हमारा पास का क्या काम है सर? बस हमारी इतनी इच्छा है कि हमारी बस लगवाई जाए। कितनी बसें लगी हुई है अभी की अगर बात करें? एक ही बस लगी हुई है सर। और आपकी मांग क्या है कि कितनी बसें होनी चाहिए? हमारी मांग है 3 बसें लगी होनी चाहिए सर, एक तो 2:30 बजे और एक 5 बजे। अच्छा, शाम के। लगातार यही समस्या आ रही है आपको? यस सर। तो इस प्रकार से आप जैसे ये आंदोलन करते हैं सड़कों पर उतरते हैं, क्या मानते हैं इस प्रकार से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाना चाहिए सर। सवेरे जरूर दे सवेरे 7:30 आप बता दो, उसे टाइम भेज देंगे, पहला टाइम तुम बताओगे। 8:50 का टाइम है वो, अगरोवा का टाइम था कि बनवाड़ा से 8 बजे पावड़ा से चला जाएंगे, ठीक है? 8 बजे कोरेक्ट पावड़ा से बस कल से, और 4-5 दिन के बाद अधिकारियों से बात करते हैं, 2:30 बजे बस स्टैंड इंचार्ज बरवाड़ा सुरेश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर बसों को रोकते हैं, 2-3 दिन पहले भी रोका था, क्या इनकी मांगे रहती है और किस प्रकार से इनका समाधान किया जाए? इनकी मांगे थी एक फतेहाबाद डिपो की बस जो बरवाड़ा भुना से बरवाड़ा आती है वो ओवरलोड हो जाती है जी, पाबड़ा बाड़क और खेदड़ गाँव के बच्चे उसमें चढ़ नहीं पाते जी, तो इन्होंने आज जाम लगाया, तो GM साहब और TM साहब के आदेश अनुसार मैं यहाँ आया हूँ, और आश्वासन ही नहीं बल्कि सुबह तो पावड़ा से 8 बजे एक बस चला दी जाएगी, और 4-5 दिन के बाद अधिकारियों से मिलकर बरवाड़ा से भुना के लिए भी 2:30 बजे बस चला दी जाएगी। क्या इनकी समस्याओं का परमानेंटली समाधान किया जाएगा? जी परमानेंटली समाधान किया जाएगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि 2-3 दिन पहले भी इसी प्रकार से हमने एप्लीकेशन वगैरह भी दी है और बसों को भी रोका था, तो उसी संदर्भ में इन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उसी संदर्भ में आज पावड़ा से सुबह जो बस चलेगी वो आज कागजों में चढ़ा दी गई है। हाँ जी, ट्रैफिक ब्रांच उस पर काम करना शुरू कर चुका है, और सुबह बस पावड़ा से 8 बजे चलेगी।
आगे से इस प्रकार की कोई समस्या ना आए उसके समाधान को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां रहेगी और बच्चों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? बच्चों से यही अपील है, अगर कोई समस्या हो तो अधिकारियों से मिले, न कि रास्ता रोके जी। और ये परमानेंट समाधान कर दिया, दो बसें लगा दी गई इस रूट जी। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि सुरेश कुमार जी ने बताया कि इनकी समस्या का समाधान आज ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंटली अगर बात की जाए तो एक बस को डॉक्यूमेंटों में चढ़ा दिया गया। देखिए समस्याएं गंभीर है, आप पर छोड़ते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से होना चाहिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ नरेश कुमार।